सभी को नमस्ते। आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप अच्छा सोचे और जो सोचे वो पूर्ण हो। हमेशा निरंतर सत्य की ओर आप अग्रेसर रहे। अपने भीतर आप ईश्वर को खोजें और उन्हें प्राप्त करें। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप सब मिलकर दिल के साथ इस विश्व परिवर्तन के कार्यों में भाग ले रहे हैं। साथ ही हमें बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि ये परिवर्तन करना क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, हम क्यों बार बार परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, ऐसे क्या विशेष है इस समय में, आप क्यों एक नई दुनिया के बारे में बात करते हैं, एक नया समय की बात करते हैं, एक नए युग की बात करते हैं, ऐसे क्या विशेष है उसके बारे में। मैं यहां पर आपको उसकी जानकारी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि यह परिवर्तन करना क्यों है, ऐसे क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम आज इस अवस्था तक पहुंचे हैं। तो ये परिवर्तन जो है, जो आपके भीतर होने वाला है, और इस परिवर्तन के वजह से आपके आसपास की दुनिया में भी वो बदलाव आने वाला है। हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वो इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है जो लगातार घूमते रहता है। वैसे ही सारे ग्रह, सारे तारे ब्रह्मांड में लगातार घूमते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो स्थिर है, पर लगातार चलते रह रहा है, घूमते रह रहा है। हमारा सूरज, वो भी हमारे आकाशगंगा के केंद्र के आसपास ही घूम रहा है। ऐसे कई अनेकों आकाश गंगा हैं जो इस ब्रह्मांड के केंद्र के आसपास घूमती हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का केंद्र है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। हालांकि वो पूर्णतः बीच में नहीं है, पर उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ब्रह्मांड के केंद्र को। ये जो ब्रह्मांड का मूल बिंदु है, वहां से एक खास प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, और ये ऊर्जा आपको प्रेम का, शांति का, सत्य का अनुभव देती है। जब आप इस मूल बिंदु के सामने पहुंचते हो, तब आप उस ऊर्जा को अपने आप ही अनुभव कर लेते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस केंद्र के सामने नहीं हो, उस बिंदु के सामने नहीं हो, तो आप इसे अनुभव नहीं करेंगे। इस मूल बिंदु को हम इस ब्रह्मांड की आंख भी कह सकते हैं, जो लगातार देखती रहती है। आपको बस उस आंख के सामने जाके स्थित होना है। पर ये आप खुद कर सकते हैं तो नहीं, ये एक ब्रह्मांड की रचना ही ऐसी है कि आप अभी धीरे 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 वहां पहुंचने वाले। हमारी जो धरती माँ है वो बहुत जल्द अपने गति के साथ
उस बिंदु तक पहुंचेगी जहां पर वो उस ऊर्जा का अनुभव करेगी जिसमें से प्रेम हो, शांति हो, सत्य हो, न्याय हो, और ये अपने आप होगा। जब तक आप धरती पे हो और जैसे वो समय आएगा आप अपने आप ही अनुभव कर लेंगे। और ऐसा कुछ 14,000 साल में एक बार होता है। अब ये प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर, ईश्वर की कृपा वो तो हमेशा बनी रहती है, वो तो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है, सबके भीतर है, बाहर है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उनकी कृपा दृष्टि से दूर रहें? तो एक आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि सूरज कहाँ है, तो आप बहुत आसानी से कह देंगे कि ऊपर आसमान में। यही प्रश्न अगर मैं आपको रात में पूछूं तब आप मुझे नहीं बता पाओगे कि ये ऊपर की तरफ ही सूरज है। आप ये कहेंगे आसमान में कहीं तो है पर अभी हम नहीं देख सकते, पर हाँ चंद्र के प्रकाश के द्वारा हम सूरज को अनुभव कर सकते हैं। तो हम आपको वही कह रहे हैं जो मूल बिंदु है, जो ईश्वर की आंख है, इस ब्रह्मांड की आंख है, वो हमेशा कृपा बनाए रखती है, पर हम वहां पहुंचे नहीं हैं। आज हम जो भी अनुभव करते हैं आप ये समझिए कि उसका एक रूप है, उसका एक रूप अनुभव कर रहे हैं, पर पूर्णतः आप उस ऊर्जा को शुद्ध स्वरूप में अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे आप उस बिंदु के सामने पहुंचते हो तब आप ईश्वर को, उस डिवाइन शक्ति को जो दैविक शक्ति है, उसे आप पूर्ण रूप में अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे, अंदर और बाहर दोनों, और ये अपने आप ही होगा। उसके लिए आपको कुछ विशेष उपक्रम नहीं करने हैं, आपको बस तैयार होना है। और ये जो खास कार्य है, जो ईश्वरीय कार्य है जिसमें आप सभी भाग लेने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, आपके लिए सत्य हो जाएगा।